हेलो बोलो। हेलो, कैसे हो आप सब लोग? नहीं बोले और जो रात के खाने में बन रहा है आज बहुत ही स्पेशल डिश। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं बबीता स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल वसुदेव ब्लॉग्स उत्तराखंडी में। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज है 12 नवंबर और आज मैं काफ़ी दिनों बाद ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। तो आज का ब्लॉग शुरू कर रही हूँ मैं शाम के 4 बजे से। और तो अभी सॉरी भी सो के उठ गया है। हेलो बोलो। हेलो, कैसे हो आप सब लोग? नहीं बोलेगी? नहीं बोल रहा। बोल दे, इधर देख। ओए सॉरी बाबू, इधर देखो। नहीं, वहाँ सामान दिख रहा है ना, इसीलिए तुझे शैतानी सूझ रही है। बोलो। हेलो बोलो। हेलो हेलो एवरीवन। हेलो बोल दे। हेलो नहीं बोल, नहीं आता बोलना। नहीं, कोई बात, कोई बात नहीं। तो फ्रेंड अभी मैं जा रही हूँ छत पे, मिर्ची रखी है वो उठाने के लिए और मम्मी ने यहाँ पे मिर्ची सुखाने के लिए रखी है। अच्छे से सूख जाएगी तो फिर इसको हम मिक्सी में डाल के पीस लेंगे मसाले के लिए। तो आज धूप तो काफ़ी अच्छी आ रखी थी लेकिन हवा भी चल रही थी, इसलिए मिर्ची जो सुखाने रखी थी इसके ऊपर बाल और मिट्टी वगैरह उड़ के चली गई है। तो इसलिए देख देख के अच्छे से साफ़ करके इसे उठाना पड़ रहा है। आप देख ही सकते हैं कि कितनी हवा चल रही है। अभी मैंने मिर्ची उठा के रख दी है और मिर्ची उठाने के बाद अच्छे से साबुन से हाथ भी धो लिए हैं ताकि शौर्य को मिर्ची ना लगे, क्योंकि वो कभी हाथ मुंह में रखता है तो फिर कहीं उसको मिर्ची ना लगता है, इसलिए हाथ भी धो लिए हैं साबुन से। और अब चलती हूँ मैं नीचे और नीचे जाके फिर चाय बनाऊँगी अपने लिए और पापा के लिए। अब मिर्ची रखी है, मिर्ची लेके फिर नीचे को चलती हूँ मैं। अब तो शौर्य को पापा लेके जा रखे हैं वहाँ पे थोड़ा देर ऐसे घुमाने के लिए और फिर मैं चाय पीने के लिए बुलाऊंगी पापा को अंदर। तो अभी बज गए हैं शाम के 5:30 और मैं चाय पी के ऊपर छत में आई हूँ और शौर्य के कपड़े रखे थे बाहर, तो उस टाइम तो धूप थी जब मैं नीचे को गई थी और तो अब धूप चली गई है तो उनको उठा लेती हूँ फटाफट से, करूँगी और काम। तो बज गए हैं 7:00 और अब मैं बना रही हूँ रात का खाना और रात के खाने में बन रहा है आज बहुत ही स्पेशल डिश। तो आज बन रहा है चिकन और उसके साथ बनेंगे चावल और रोटी। तो उसके लिए मैं टमाटर प्याज वगैरह काट के रख लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने टमाटर और हरी मिर्च काट के रख ली है और यहाँ पे प्याज काट के रख लिया है और हरा धनिया काट के रख लिया है और हिमान दस्ते में एक छोटा टुकड़ा अदरक और लहसुन भी कूट के तैयार कर लिया है। और अब मैं फटाफट प्याज को और टमाटर को मिक्सी में ग्राइंड करके रख लूँगी। तो मैंने प्याज और टमाटर को भी मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है और यहाँ पे निकाल लिए हैं खड़े मसाले। इसमें है तेज़ पत्ता, काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी
तो अब रख लेती हूँ कुकर में मैं तेल गरम करने के लिए। तेल गरम हो गया है और अब इसमें डाल दूँगी खड़े मसाले और ये हल्के ब्राउन हो गए हैं और डाल दूँगी इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट और इसके बाद डाल लूँगी पिसी हुई प्याज जो मैंने मिक्सी में ग्राइंड की थी और फिर इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी और जितने में ये फ्राई होगा इतने में मैं और मसाले भी तैयार करके रख लेती हूँ। तो इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच मिर्च, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 3 चम्मच नमक और फिर डाल लूँगी इसमें थोड़ा सा चिकन मसाला। तो इससे चिकन में टेस्ट अच्छा आता है और खुशबू भी अच्छी आती है और यहाँ पे प्याज भी फ्राई हो गया है और इसमें डाल दिया है अब मैंने टमाटर जो ग्राइंड करके रखा हुआ था वो और फिर इसमें डाल लूँगी सारे मसाले और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और पकने के लिए रख दूँगी। ये अच्छे से फ्राई हो गया है और इसमें तेल छोड़ना भी शुरू कर दिया है और अब मैं इसमें चिकन को धो के इसमें अच्छे से मिक्स कर लूँगी और फिर इसमें डाल दूँगी पानी और फिर इसे पकने के लिए रख दूँगी। तो यहाँ पे मम्मी ने रख दिए हैं चावल बनने के लिए और चिकन बन के बिल्कुल तैयार हो चुका है। देखिए इसमें धनिया भी डाल दिया है। ग्रेवी पतली हो रखी है लेकिन चावल के साथ खाने के लिए ग्रेवी थोड़ी पतली बनानी पड़ती है तो फिर अच्छा लगता है। अगर केवल रोटी के साथ खानी है फिर तो गाढ़ी ग्रेवी बनती है, इन चावल के साथ पतली वाली ग्रेवी बनानी पड़ती है। तो ग्रेवी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा जैसी बनानी हो वैसी बना सकते हैं और ये खाने में भी काफ़ी टेस्टी हो रहा है। तो अभी चिकन बन के तैयार हो गया है और अब मैं बालों पे तेल लगाऊंगी, तेल मालिश करूंगी, कल मुझे बाल धोने हैं। और शौर्य भी यहाँ पे सो गया है, अभी सोया। बालों पे तेल लगा लेती हूँ और जब शौर्य होने वाला था तो तब से मैं ये वाला ऑयल यूज़ करती हूँ, हिलोफाई का मेथी सीड हेयर ऑयल। तो इसको पहले हल्की आंच पे गरम करना है और फिर इसकी मालिश करनी है बालों पे। तो मैं रख लेती हूँ एक कटोरी में थोड़ा सा तेल और फिर इसको रख दूँगी हल्की आंच पे गरम करने के लिए। फिर ये जैसे हल्का गरम हो जाएगा तो फिर इसकी मालिश करूँगी। तो मैं तेल को गरम करके ले आई हूँ और अभी थोड़ा गरम हो रहा है, ये थोड़ा ठंडा होने देती हूँ। फिर इसे बालों की जड़ों में अच्छे से मसाज करूँगी। आजकल वैसे भी मेरे बाल बहुत ज़्यादा टूटने लग गए हैं तो काफ़ी दिनों से मैं रात में तेल भी नहीं लगा रही बालों पे, तो आज बहुत दिनों बाद लगा रही हूँ तो इसको ठंडा होने देती हूँ, लगाऊँगी। तो यहाँ पे शौर्य भी सो के उठ गया है। सो के उठते ही स्माइल कर रही है। कहाँ जा रहा। खाना तो बन के तैयार हो गया है और अब खा लेते हैं खाना और आज के ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलती हूँ आपको जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।